गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज। या इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो अपर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो सेंसिटिव सुविधाएं हैं वो जेंडर कहाँ इनइक्वालिटी हो रहा है। ये हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर इनइक्वालिटी का एक पॉइंट है जो डील कर रहे हैं हम लोग आज। तो वो है इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़। ये इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज, यानी कि जो अपर्याप्त फैसिलिटीज़ है उसके उसके लिए क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये हम लोग आज जानेंगे। तो लेसन नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन स्कूल, अपर्याप्त सुविधा के अनुसार होने का इफेक्ट क्या है कि लेसर अमाउंट में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में, वो भी गर्ल्स स्कूल। अब गर्ल चाइल्ड एडमिशन बहुत कम ले रहे हैं अपर्याप्त फैसिलिटी के कारण। नेक्स्ट है एडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटी कैन इंक्रीज द टाइम गर्ल्स स्पेंड इन स्कूल। अपर्याप्त अगर उनके पास फैसिलिटी होगी तो वो जो टाइम है जो स्पेंड कर रहे हैं स्कूल में उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चियों का। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि एक तो बहुत सारे रूरल एरिया में आप देखेंगे कि गांव बहुत दूर है जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं आना और जाना उनके लिए मुसीबत हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से भी हो सकता है कि टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ वहाँ की लड़कियाँ 2 बजे 2:30 बजे निकल जाती है क्योंकि बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी एक है कि टाइम से गर्ल्स को स्पेंड करना नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से एडमिशन में कमी होती है। और वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वहाँ की एडमिशन का जो नंबर है वो बहुत कम है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर गर्ल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्कूल अटेंडेंस। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होने के कारण लड़कियाँ जो हैं स्कूल नहीं जा पाती हैं। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बच्चियों को प्रॉब्लम होती है। ऐसे प्रॉब्लम तो होती ही हैं, जाने आने में भी तकलीफ़ होती है, साथ ही साथ वहाँ अगर फैसिलिटी स्कूल्स में ना हो तो भी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं। नेक्स्ट है मोर गर्ल चाइल्ड विल लीव द स्कूल। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं गर्ल चाइल्ड है वो लोग छोड़ देती हैं स्कूल, सही टॉयलेट ना होने की वजह से, सही तरीके के सुविधाएँ ना होने के कारण लड़कियाँ जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं। बहुत सारे रीजंस भी हैं फैसिलिटीज़ में। हो सकता है कि जिस जगह वो जा रही हैं और हायर सेक्शन से बायो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे गर्ल्स जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा सेंस का ज़रूरत होता है। जब पीरियड्स वगैरह आते हैं तो फिर उनको बहुत दिक्कत होती है जिस वजह से वो स्कूल छोड़ देती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा है जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटी फॉर गर्ल चाइल्ड इन स्कूल। क्या क्या फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए उनकी एडमिशन को बढ़ाने के लिए ताकि वो एडमिशन ले और आगे पढ़ाई कर सके, उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी चाहिए। सबसे पहले है क्लीन एंड सेफ क्लासरूम फॉर गर्ल। क्लीन होना ही चाहिए जहाँ पे जा रहे हैं और साथ ही साथ क्लीननेस तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के लिए ज़रूरत है। और सेफ्टी की भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है और तभी वहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ है क्लीन एंड सेफ क्लासरूम फॉर गर्ल्स ये दोनों बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में अगर बच्ची हैं तो सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स क्लीन एंड हाइजीनिक, सेपरेट टॉयलेट्स होना फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए ताकि वो हाइजीनिक भी रहे और वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट है प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़।
प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो लड़कियां हैं वो वॉशरूम यूज़ करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से भी उनका जो स्कूलिंग है वो छूट जाता है, क्योंकि जिस पीरियड में वो चल रहे हैं उस पीरियड में अगर उन्हें कुछ एक्सपीरियंस कर रही हैं पीरियड, तो उस टाइम पे उनको वाटर की ज़रूरत हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो वो प्रेफरेंस अगर मिल जाएगा स्कूल में, वो फैसिलिटीज़ मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो स्कूल आएंगे, और नहीं होने के कारण वो घर पे रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी। अगर उन्हें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, तो डेफिनेटली उनको सारी चीज़ों को फेंकने के लिए भी उनको प्रॉपर जगह होनी चाहिए। एक तो उनके लिए वो खुद में ही बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती है, तो उनके लिए अगर प्रॉपर वॉशरूम में रखा रहना चाहिए डिस्पोजल, ताकि वो यूज़ करने के बाद उसे डिस्पोज कर सके। नेक्स्ट है एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल मटेरियल, एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल मटेरियल्स यानी कि पैड्स वगैरह का जो सुविधा है वो देनी चाहिए स्कूल वगैरह में, ताकि वो स्कूल अटेंड कर पाए। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पेस टू रेस्ट इन व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ये सभी जानते हैं कि जब एक्सपीरियंस करते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को, मेंस्ट्रुअल को, तो क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्टमक में पेन होता है, दर्द होता है, तो उस पीरियड पे सेफ और एक सेपरेट सिक रूम या कुछ ऐसा जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सके, इस तरीके से कुछ होना चाहिए, रूम्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को सेफ एवन अपने आप को महसूस कर सके कि वो आ सके कॉलेज, स्कूल आ सके, कॉलेज आ सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे समझ गए होंगे और इसे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे। धन्यवाद।